पहली बार शायद साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पर्व सब मिलके उत्साह नाल मनान। यह विचार श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं सांझे कीते। उन्होंने आख्या कि पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पर्व पूरे संसार में श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जाएगा। सिंह साहब ने आख्या कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब कोरीडोर की उसारी छेती होवे तां जो संगत गुरुद्वारा साहब के दर्शनों लई गुरुद्वारा करतारपुर साहब पाकिस्तान जा सके। गुरु नानक साहब जी का 550 साल प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इस बारे समुचे सिख जगत वालों श्री अकाल तख्त साहब वालों हमेशा ही कोशिश रही है कि इस सारी जड़ियाँ जथेबंदियां सारिया पार्टियां एक होकर सांझे रूप के मनाइए। उसके लिए श्री अकाल तख्त साहब वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो पंजाब सरकार के नाल जिहड़ा है सदा लिखापढ़ी की सी, और पंजाब सरकार का भी जिहड़ा खास तौर पर कैप्टन वरिंदर सिंह दा इहदे पक्की हाँ पक्की हुंगारा जिहड़ा है आया सी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते लिखती रूप के विच। तो पता लगे कि कल उन्होंने कह दिता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल असीं मिल के मिलावांगे, और बहुत ही शलांघा जोन जिहड़ा है उन्हों का यह डिसीजन है। तो इकट्ठिया होकर सानू मनाना चाहिए है, भावें कोई भी सिख है किसी भी पार्टी किसी भी जथेबंदी धड़ेबंदी च बैठा है, असी एक हो के श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पुरब मनाइए ताकि समुचे विश्व के सुनेहा जोड़ा है वह पॉजिटिव जाए, और ये श्री अकाल तख्त साहब हमेशा यतनशील है।